नमस्कार, मैं हूं भूपेन पथरिया, आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी सातनपुर फरुखाबाद में और हमारे साथ हैं आलू आड़ती मोनू जी हैं। ये अपना क्या नाम है भैया? जितेंद्र गुप्ता, आलू के व्यापारी हैं भैया। हाँ। अच्छा, ये जितेंद्र गुप्ता जी हैं, आलू के व्यापारी हैं। अपना क्या नाम है भैया? रमेश चंद्र यादव। हैं? रमेश चंद्र यादव। रमेश सिंह यादव, आप क्या करते भैया? अपनी आड़ती है। आड़त है, अच्छा, ये भी आड़ती। आमद क्या लग रही है आज, क्या होगी आज? आमद होगी आज 70 से 80 मोटर होगी। हम 70-80 मोटर होगी आज। आज आमद मतलब रोज से ज्यादा लग रही है ना? आज रोज से ज्यादा, रोज से ज्यादा है आज। जबकि ये सोच रहे थे कि 18 तारीख के बाद जो है आमद थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आमद बढ़ गई उल्टी। आमद बढ़ गई। आवक आज देख सकते हैं आप, आवक आज जो है वो हर रोज से ज्यादा ही दिख रही है। वही जो है करीब करीब 70-80 मोटर के आसपास अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70-80 मोटर आलू होगा आज। ये देख सकते हैं नजारा एक आप, आज मंडी जो है भरी भरी लग रही है एकदम। वैसे मतलब इतनी भरी भरी नहीं दिखती है जितनी आज भरी है, तो वो हिसाब से आमदनी आज ज्यादा ही है। गणित सभी के फेल हो जाते हैं एकदम। हाँ, गणित सबके फेल। हाँ, बरसात वाला जो गणित लगाया था लोगों ने, बरसात के बीच में गैप मिलेगा जी, वहाँ पे ये लोगों ने ज्यादा खुदाई कर दी। हाँ, बढ़ गई। यही सोच रहे थे कि 18 सितंबर ना, 18 अक्टूबर, 16 अब वही 16-17 के आसपास ऐसी कुछ बरसात हुई थी, तो ये सोच रहे थे कि भाई इसके बाद जो है आलू कम आएगा, लेकिन आलू की आमद जो है उल्टा बढ़ गई। बढ़ गई तो गणित किसान ने भी लगा उसने, इसीलिए आलू रोक को गणित तो सबने लगाया होगा, किसान ने भी लगाया आलू रोक। जबकि यहाँ पे आदमी ये सोच रहा बाजार बन सकते हैं, और लेकिन बाजार बनने के बजाय बिगड़ गए और बाजार कट रहे दिन पे। आज क्या रेट तक रहे हैं आलू भैया? आज आलू भैया 3.25 से लगाए, 360 रुपए पैकेट। 3.25 से 360 रुपया पैकेट। अच्छा, अभी बिक्री पैकेट से ही हो रही है। ये देखो यहाँ पे भर्ती हो रही है 50 किलो की, और ये आलू हैं। आलू आजकल इसे पैकेट में ही बिकता है, एक वही मतलब एक मोड़ा, एक बोरे का मोड़ा खुलता है तो एकदम भर जाता है। ये पैकिंग हो रही है इसलिए खुला मिल गया है। और ये आलू क्वालिटी देख सकते हैं, ये क्वालिटी आलू बिका है आपका 325 रुपया पैकेट, और 321 है, 321 रुपया बिका है। और ऐसे ही आज आलू जो मतलब जो एवरेज रेट रहे हैं वो 300 से 331 रुपया ही ज़्यादा बिके हैं आलू। और कुछ बढ़िया आलू जो मोटे आलू थे वो बिक गए हैं आपके 350 रुपया, और आज लास्ट जो है 361 रुपये तक बिका है। और ये जो रेट मैं बता रहा हूँ ये यहाँ के मंडी के रेट हैं, मतलब जो किसान को जो पैसे मिलते हैं वो रेट हैं। बाकी जो मंडी के खर्चे वगैरह जो हैं वो इस पर अलग पड़ते हैं। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई फरुखाबाद की मंडी में 350 रुपये आलू बिक रहा है, तो जो इस पर खर्चा अभी नहीं लगा है, खर्चा लगेगा तो ये कम से कम 8 से 10% इसका रेट बढ़ जाएगा। तो ये हमारे साथ आरती जी हैं भैया। क्या नाम है भैया अपना? अवनीश यादव जी हैं। आज क्या क्या रेट तक बिके हैं आलू भैया? आज 300 से लेकर 361 रुपए 71 तक बिके हैं आलू। 71 भी बिका है कोई? हाँ, बिके हैं, 71 भी बिका है। अच्छा, एक आध बिक गया हो बेचने का तो मतलब अलग जो मंडी है इतनी बड़ी, हो सकता है किसी ने बेचे हो। आमद आज कितनी लग रही है? आज आमद करीब होगी आज 70-80 मोटर से कम नहीं होगी। आमद 70-80 मोटर होगी तो 371 तक बिक गए। अच्छा अच्छा, निवल वाले क्या रेट रहे आज? निवल वाले जो हैं 281-291 और मतलब 300 के भीतर रहे। 300 के भीतर, ज्यादा जर्रा टाइप के थे बिल्कुल। और एवरेज आज मंडी क्या बिकी है, जो मतलब जो ज्यादा रेट में आलू बिके? ज्यादा रेट में एवरेज बिके हैं वो 341 एवरेज, 321-341 एवरेज ज्यादा बिका। अच्छा अच्छा, 311 भी बिके कुछ। हाँ। मतलब 300-311 मतलब थोड़े निबल क्वालिटी के आलू। हाँ। रहे हैं ज्यादा निबल वाले रहे 300 के भीतर जी। ज्यादा निबल जो झर्रा टाइप के रहते हैं वो, और जो मीडियम आलू आज 325 के आसपास ही ज्यादा बिके। कोई 21 बिक गया, कोई 25 बिक गया, कोई 31 बिक गया, 41 बिक गया। 41 के बाद जो 350 के आसपास जो रेंज रही है वो बढ़िया आलू रही है, बहुत सुपर आलू, आलू पीली मिट्टी के। हाँ,
और उसमें कोई जिसमें छर्री वगैरह कम आती, ज्यादातर मोटे आलू वो 350 के ऊपर इक्का दुक्का निकल गए। अभी बरसात से पहले गए जिसमें हरा आलू आ रहा, इस वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ हरा, ये क्या, ये देखो ये इसी में ये हरा है। कल भी मैंने एक ढेर दिखाया था तो उसमें भी मतलब ये हरे की समस्या है। 25 तारीख के बाद हो जाएगा सुधार। हाँ 25 तारीख के बाद आलू अच्छे आने लगेंगे, अभी थोड़े से हैं। बरसात से पहले निकल जाएगा जी, और जो अब आएगा माल वो अच्छा आएगा माल। अच्छा ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये ऐसे मोटे आलू जो हैं पीली मिट्टी के, ये बिके हैं आज 300 के, मतलब 350 के ऊपर ये बिका है, 361 रुपया पैकेट बिका है ये। तो ऐसे पीली मिट्टी के जो मोटे आलू आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 350 के ऊपर या 350 के आसपास, और ये बिका है 361 रुपया पैकेट। पैकेट की ये भरती है और अभी पैकेट से ही बिक रहा है, वही मतलब 53 किलो के हिसाब से बिक रहा है कि पैकेट का वजन जो है मिनिमम 53 किलो होना चाहिए। और ये क्वालिटी है इसकी, ये देख सकते हैं 361 रुपये पैकेट की। मोड़े आजकल बड़ा जल्दी बंद हो जाते हैं एकदम, मतलब जैसे ही बिका तुरंत बंद। बाजी बाजी किसान तो ऐसे लेके आता है, मोड़ा दिखाता बढ़िया है, और जब 20 में उसका कटता है उसमें हरा कट भी निकलता जा करके। तो आप लोग उसे 20 से नहीं काटते हैं क्या? 20 से कभी कोई ऐसा है ज्यादा भीड़ भाड़ है, ऐसे उतरवा दिया जा करके। जब वहाँ पहुँचता है पार्टी के पास तो वहाँ से शिकायत आती है, फिर वहाँ पे रुपया कटता जा करके है। किसान तो ऐसे उसने उतारा, उसने पर्चा के काट दिया, उतरवाया चला गया। और हम लोग जब बीच में आज एक ट्राली ली थी जी, तो उसका 371 रुपए आलू लिया जी, और जब 20 से कटवाया तो उसमें कम से कम 30 किलो कट पीस हरा निकला आलू जाकर के। अच्छा हाँ, उसकी लाटपोट छोड़ दी जाकर के। फिर ऐसी शिकायतें बहुत मिल रही है, मैंने भी मतलब ये शिकायतें रोज ही मिलती है कि मतलब मोड़ा दिखा कुछ और बाद में आलू बाद में देखा तो निकला कुछ। ये शिकायतें आप लोग इस पे मतलब कुछ ध्यान नहीं देते या कंट्रोल नहीं करते क्या है? मैं ध्यान भी नहीं दे सकते, कंट्रोल कैसे करोगे भाई? अब 100 पैकेट की ट्रॉली है जी, तो 100 में इस टाइप के पैकेट कहाँ पर रखे कैसे ढूंढ पाओगे? उसमें खाली इतना किया जा सकता है जैसे ट्राली आई और किसान कोई बोल रहा है कि ये वाला मेरा पैकेट काट दो, ये मतलब मोड़े में काट दो, आप उसको ना छोड़ के बोले कि नहीं 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 ये वाला काटो, मतलब कोई भी दूसरा किसी पे भी हाथ रख दिया आपने। वो होता है वैसे तो होता है, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो वाला भी ऐसे ही आ गया, खराब वाला नहीं हाथ में आया। तो उसमें क्या है कि जैसे 19-20 अगर क्वालिटी होगी तो चल जाएगी। हाँ, 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 15-20 क्या है यहाँ तो मतलब 20-25 निकलते हैं, 20-25 नहीं तो कहीं कहीं तो मतलब 10-20 निकल रहे हैं, ऐसा ऐसा भी हो रहा है। किसान किसान ठीक है बे, सही आलू लाओ, तो जिनके नियत में खोट है बे अपनो मोड़ा बनाए के लाओ। नहीं ये करना तो गलत है, मतलब देखो ये है कि बाद में पकड़े जाओगे तो क्या होगा भाई, उससे पूरे बाजार का बदनामी होती है। कहाँ से आलू आया? फरुखाबाद से आया, पार्किंग गया मोला फरुखाबाद से आया, फरुखाबाद में ये कर रहे हैं तो भाई। अगर आप 371 वाला माल भेजोगे और वो माल है 300 का भी नहीं, तो पैसे तो कटने ही कटने हैं, उसमें बदनामी होती है ना। बदनामी भी होगी और पैसे भी कटने, क्योंकि आपने भी बोला कि मतलब भैया मार्केट आज जो हमारा मार्केट 371 रुपया लास्ट रहा होगा, ऊपर भी बिका है कोई? इससे ऊपर नहीं बिका, 371 रुपया लास्ट, मतलब टॉप क्वालिटी आलू थी, टॉप क्वालिटी, और वहाँ पे निकल रहा है कुछ मतलब मीडियम क्वालिटी से भी नीचे, तो फिर पैसे तो कटने ही है उसमें। अब उसमें व्यापारी को ज्यादा परेशानी होती है, व्यापारी जब परेशान होगा तो किसान ने तो पर्चा अभी नहीं देखा, तो किसान ने तो पर्चा बनवाया आठ किया तो ले गए पैसा जाकर के, और हम लोग फंस जाते जाकर के बाद में जो है। उसमें यही किया जा सकता है कि आड़ती लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मतलब वो जो बोरा बता रहे हैं वो ना काट के अपने मर से कोई भी मतलब बोरा कटवाए भैया ये काटो, तो उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि मतलब ये आलू जो है हम अपनी मर्जी से कटवा रहे हैं। फिर इसके बाद आप भी लेते हैं तो आप भी बीच में से उसमें कोई भी बोरा और मतलब काट लें। हाँ देखने के लिए मतलब ये इनका हक है, मगर अब क्राइम नहीं होता इतना, देख सकते हो जब दोनों सब आलू कटवा के देखो जाकर। जिसने जिसने मान लो 2 गाड़ी 3 गाड़ी बनानी है जी, वो फिर 2000 पैकेट कहाँ तक देखेगा? हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम लोग 4-4, 5-5, 10-10 गाड़ी भी बनाते हैं। अब 10 गाड़ी वाला अगर 4 पैकेट कटा के देखेगा, अभी एक लोग मुझे बोल रहे थे, मैंने भी उनसे यही पूछा, उन्होंने भी ऐसे ही कोई आलू जैसे आप बता रहे थे, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ आलू लिया 351 रुपए में लिया था, और हमने भी मोड़ा देखा बहुत अच्छा था, हमने मोड़ा देख के पूछा वहां पे आरती से कि भैया हमने यार ये आलू क्या रेट बिका, हमें क्यूरियोसिटी हुई वो आलू देख के। तो
वो बोले कि भाई कि बिका तो यार 351 में था, हमने बिका था मतलब अब कहीं बाकी आलू निकला, ये दूसरे दिखाए तो वो आलू दूसरे थे कि अब वो ये छुट रही है। तो ऐसा मतलब तो हमने उनसे व्यापारी से पूछा, हमने भैया तुम क्या मतलब और बोरे बीच में से खोल के नहीं देखते, तो बोले कि यार आलू जो है विश्वास में लिया जाता है, बिल्कुल कायदा कि विश्वास में लेते हैं हम लोग, कि तो हम इतने पैकेट कैसे खोल के देख पाए। तो इसके लिए तो विश्वास जो है आप लोगों को आरती लोगों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो है बीच के माध्यम है भैया। जब तक चल रहा है खुल के बिकने लगेगा नहीं, वो तो तब दिक्कत खत्म होगी जब खुल के बिकेगा, जब तक नहीं है तब तक उसका कोई सलूशन तो एक रखना पड़ेगा ना, तब तक कोई कोई सलूशन रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि मतलब ऐसी अगर किसी को भी प्रॉब्लम, आपको भी उसमें मतलब प्रॉब्लम ही होगी, प्रॉब्लम होगी। अब इतने टाइम जाके मतलब मंडी बिक चुकी है, मंडी बिक जाती है 7 बजे, अब इतने टाइम अगर आलू छूट गया चला जाता है, हाँ आलू छूट गया अब क्या करोगे, अब आप चक्कर में पड़े खाली मोड़ी। तो अगर वो चीज़ अगर थोड़ा सा मतलब उसमें मेरी ख्याल है तो यही है कि आप अपनी मर्जी से मोड़ा कटाओ, उसकी किसान से मर्जी मोड़ा मत कटाओ। मोड़े तो अपनी मर्जी से कटाते हैं, लेकिन यार आलू कहाँ गलत आलू कहाँ पे रख के लाता ये नहीं पता रहता, थोड़ा सा पकड़ने का चांस रहेगा, और बीच में से भी कभी कभी निकाल सकते हैं अगर वो नीचे लाया फिर गाली में है। एक तो ये एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि छल्ली जो है लगाते नहीं है उतार के नीचे, की ट्राली में एक दो बोरे काटे और वो हमारी ट्राली वहाँ भेज देना, तो ये भी एक समस्या है। अगर सारा आलू दुकान पे उतार के लगे हाँ तो फिर उसमें कोई भी पैकेट काटा जा सकता है, ये भी एक समस्या है। ये किसान लोग होंगे सब लोग, कहाँ से है भैया, कौन से गांव से है? राजा रामपुर में ही। अच्छा तो आलू क्या था बिका है आज आपका? 325 रुपया पैकेट, एकदम मीडियम क्वालिटी का था, बढ़िया था, नंबर एक का दो, नंबर एक का था। अच्छा नंबर एक का आलू तो आज थोड़े से ऊपर रखा था, चेक कर रखे। अच्छा एक बोरा, अच्छा मन मोड़ा लगा किसान टाइम काम मिलता है वो बोरा। अरे देखो यार ये तो खेत तीन प्रकार घाली मुलिम के बदलाम बदलाम करे। अरे नहीं ये तो हम अपनी आंखों देख के आए ये मतलब हम आपकी बात मान लेते हैं, हम अपने अगर आंखों से ना देखा होता है खेत बोरा ना अपने पकड़ पाओ मोड़ा कहाँ लगाए। नहीं अगर किसी को क्वालिटी अगर दिखाओगे कुछ निकलेगी कुछ, एक खेत में तीन चार प्रकार देखो, ये हम आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया, आप में से ही कुछ लोग कर रहे हैं, कोई तो कर रहा है। अरे कुछ बंदा पैकेट लिखा तो है वो पल्ले तो है, वो देखो जो भी कर रहा है कोई तो कर रहा है, मैं देखो सब लोग ऐसे हैं वो नहीं है। पैकेट ले आओ जी पाने अपने छाट घर डाल भल्ले जो भी किया भीतर कर दे अच्छे ऊपर कर ले। जो कहते हैं ना कि जैसे तालाब में एक मछली खराब होती है तो दूसरे को भी बदनाम करते हैं, दूसरे को भी खराब करते हैं। वही तो बात कर रहे थे कि उनको 5 गाड़ी बनानी है, देखने का टाइम नहीं है। आपने बेचा भैया? हां जी। आपका क्या रेट बिका? हमारा 311 रुपए। 311 रुपए। आप कहाँ से आते हैं? हम निसाई से, निसाई मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद मोहम्मदाबाद की तरफ आलू खुदाई चालू हो गई क्या? हो गई है, अभी हल्की है, पानी की बरसात हुई थी आलू खराब हो गया इसकी वजह से हल्का आया अभी। अच्छा हाँ 15-20 दिन में आलू ठीक से मतलब आने लगेगा। आपके यहाँ तो ज्यादातर पक्की सीजन वाले रहते हैं ना, और कच्ची में भी जो खुदता है वो भी लेट खुदता है, थोड़ा सा कुछ लोग अगाई गड़ाई कर लेते हैं, मोटी मिट्टी का इसकी वजह से मतलब कच्चा कम हो पाता है। हाँ 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 मोटी मिट्टी का, और पक्के पर ठीक रहता है, पीली मिट्टी का ज्यादा आलू पसंद करता है। और किसी ने बेचा है इस वजह से? क्या क्या रेट बेचा आपका? क्या रेट बेचा भैया? 311। ज्यादातर यहाँ पे 311 ही वाले हैं, मीडियम आलू थे। अच्छा अच्छा आपका भी था क्या? ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा अच्छा तो ज्यादातर मतलब ये मीडियम वाले बेचे 311 रुपया। अरे हमारे तो यार 25 रुपया, 325 रुपया। चलो कम से कम 311 से 25 हुए, 11 से 25 हुए। तो मतलब जो निवल वाले आलू बिके हैं आज 300 रुपए के आसपास, ज्यादा निवल 300 भीतर भी रहे होंगे। हाँ वही मतलब 350 तक आज मतलब ज्यादा बढ़िया अच्छी क्वालिटी के 350 रुपए के आसपास बिके, 350 के आसपास बिके, और मीडियम वाले वही 325 के आसपास रहे होंगे, 311-325 किसी के बिकिया, और जो थोड़े से बजे मतलब लो क्वालिटी के वो 300 रुपए के आसपास, 300 के नीचे वो ज्यादा खराब क्वालिटी ज्यादा ही बची है। ठीक है साहब
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।